अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला पेपर ख़त्म हो गया है और मैं अब कहाँ हूँ आपको मैं बता दूं। दोस्तों मैं गया हुआ था गांव, आपको पता है मैंने आपको बताया था कल कि मेरा पेपर गांव है तो मैं उधर चला गया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि पेपरों के दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब एक पेपर जैसे 26 को है तो अगला पेपर 5 छुट्टियों के बाद था। तो मैंने बोला था आपको कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं घर आ जाऊँगा वापस। तो जो ही दोस्तों पेपर ख़त्म हुआ मैंने क्या किया कि फ़ौरन टिकट कराई और वापस घर को आ गया। तो अभी दोस्तों मैं अपनी सोसाइटी में आ गया हूँ, तो चलते हैं दोस्तों घर और अपने परिंदों को देखते हैं कि मेरे भाई ने सही से केयर की है या नहीं की। दुआ कीजिएगा कि मेरे परिंदे ठीक हों दोस्तों। तो ये जी, इसका मतलब ये है कि सामने मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, खाने पीने का सही से ख्याल रखा मेरे भाई ने। तो ये हमारी मुर्गियाँ और उसके चूजे दोस्तों, और अब चल रहे हैं हम ऊपर अपने फाफ्ता को देखते हैं और लकी कबूतरों को देखते हैं। तो माशाल्लाह, तो ये जी हमारी फाख्ता दोस्तों, अंदर चलते हैं दोस्तों, मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये हैं माशाल्लाह से दोस्तों चारों फाख्ता हमारी बिल्कुल ठीक हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने चारों फाख्ता, और पौधे भी मेरे ठीक हैं, पानी दिया हुआ है भाई ने, ये देखें दोस्तों पानी वगैरह दिया हुआ है, मतलब उसने शाम को पानी दिया था, अभी उसने नहीं दिया सुबह के टाइम, तो वो मैं खुद दे दूंगा, कोई बात नहीं है। बाकी हमारी फाख्ता ठीक है, हमारे चूज़े ठीक हैं, मुर्गियाँ ठीक हैं। अब चलते हैं लकी कबूतरों के पास और उनको देखते हैं कि उनकी कैसी हालत है, वो ठीक हैं, प्यास वगैरह तो उनको नहीं लगी। तो चलते हैं दोस्तों देखते हैं। अगला जो मेरा पेपर है वो है यकम तारीख को, 1 तारीख को। अब आज जो तारीख है दोस्तों 27 तारीख है, मतलब 28, 29, 30, 31, 5 छुट्टियाँ हैं दोस्तों। तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं वापस घर को चला जाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से हमारी लकी कबूतर भी ठीक हैं और पानी भी रखा हुआ है, अच्छी केयर की है भाई ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे, हम आज कुछ परिंदे लेकर आएंगे। परिंदे कौन से लेने हैं, बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई आपने क्या करना है कि फिंचेस लेकर आनी है, लाजमी लेकर आनी है। तो अभी तो थोड़ा सा मैं थका हुआ हूँ, अभी कुछ रेस्ट के बाद दोस्तों हम जाएंगे मार्केट और कुछ परिंदे लेकर आएंगे। बहुत ज़्यादा भाई मुझे कह रहे थे कि भाई जल्दी से बस परिंदे लेकर आएँ, हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। दोस्तों जिस तरह से आपसे सब्र नहीं हो रहा ना, मुझसे भी बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें, मसरूफियात होती हैं कुछ, जिसकी वजह से लेट हो रही है परिंदे लाने में। और एक मेन वजह ये है दोस्तों कि बॉक्सेस वाली वजह है वहीं। अच्छा मैं आपको एक न्यूज़ दे दूं, मैं गया था अभी गाँव तो उधर हमारे बॉक्सेस बन रहे हैं, मैंने वहां पर जाके देखा था, माशाल्लाह से हमारे बॉक्सेस रेडी हैं। उनका क्या था, थोड़ा सा काम रहता था, तो नेक्स्ट जब मैं जाऊँगा दोस्तों अपना पेपर देने तो इंशाल्लाह मैं फिर बॉक्सेस वो लेता आऊँगा। तो ये देखें दोस्तों, ये मैं अभी देख रहा हूँ, ये हमारा नया पत्ता इस पौधे का आ रहा है यहाँ से, ये देखें माशाल्लाह इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है दोस्तों। तो कुछ काम है दोस्तों वो मैं निपटा लूँ, कौन से काम है, इनको पानी दे देता हूँ मैं, बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और माशाल्लाह से दोस्तों इस पौधे की ये देखें ग्रोथ, यहाँ से यहाँ तक ये नई टहनियाँ इसकी। तो दोस्तों ग्रोथ माशाल्लाह से ऐसे ऐसे करके हो रही है, खुशी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। बाकी ये जो दोस्तों टोकरी हैं, ये मैं चाह रहा हूँ कि इनको मैं चेंज करूँ। किस लिए चेंज करूँ, आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई क्यों चेंज करना चाहते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है दोस्तों कि इनका जो साइज़ है छोटा है, बहुत छोटा है, तो हम ना कुछ बड़ी टोकरियाँ रखते हैं ताकि जब डव्स हमारी इसके अंदर अंडे दें, और जो डव होती है दोस्तों 2 से 3 अंडे देती है, ज़्यादातर 2 देती हैं, कोई कोई 3 भी दे देती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक बच्चा आराम से एडजस्ट हो सकेगा, 2 बच्चे जब बड़े होंगे ना फिर मसला होगा, ख़तरा है कि वो गिर ना जाए नीचे। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि इनके हम साइज़ को बड़ा करें, इन टोकरियों के साइज़ को हम बढ़ाएं। तो मैंने सोचा है कि ये वाली टोकरी और ये वाली टोकरी मैं दोनों उतार लूं और 2 बड़ी टोकरियां लेकर आऊं, एक मैं यहां पर लगाऊं टोकरी और एक हम इधर लगाएं दोस्तों। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि ये जो हमारे पौधे हैं दोस्तों, ये ज़्यादातर हैं जो इसके अंदर हमारी मास्टर केज के अंदर हैं, ये ज़्यादातर छांव वाले पौधे हैं। तो सुबह 2 से 3 घंटे धूप आती है, 2 से 3 से भी ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने सोचा है कि हम ग्रीन नेट लेकर आते हैं और फ्रंट पर यहाँ पर हम ये ग्रीन नेट लगा लेते हैं ताकि जूँ ही धूप आए हमारी तो हमारे पौधे जले ना, उनको फिर कोई मसला ना हो। तो ये भी लाजमी है, ये भी मैंने करना है दोस्तों। अभी तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो
पहले मैं छोटा मोटा काम करता हूँ। छोटा मोटा काम कौन सा है कि हम पौधों को पानी दे देते हैं और लकी कबूतरों को दाना वगैरह डालते हैं। दोस्तों थकावट बहुत ज़्यादा है, दोस्तों सफ़र बहुत लंबा था यार, 3 घंटे आने का सफ़र, 3 घंटे जाने का सफ़र, तकरीबन था कोई 6 घंटे 6.25 घंटे का तकरीबन मेरा सफ़र हुआ दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यार कितना मुश्किल होती है एडजस्ट करना ये सारा कुछ। और इधर से आप सब भाई मुझे कहते हैं कि भाई आज वीडियो नहीं आई, तो यार बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है कि भाई मेरे इंतज़ार कर रहे हैं वीडियो का, लेकिन जब मैं वीडियो नहीं भेज पाता ना दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस सब चीज़ों के लिए माजरा दोस्तों। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि पानी चेंज करता हूँ, कबूतरों का दाना डालता हूँ और पौधों को पानी देता हूँ, तो ये काम कर लेता हूँ दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों पानी मैंने दे दिया है पौधों को, और अब कौन सा काम रहता है कि हम लकी कबूतरों को दाना डालते हैं और उनका पानी फ्रेश करते हैं। तो हाँ तो दोस्तों ये काम भी हमारा हो गया, और आपको मैं ये चीज़ शेयर कर दूँ, आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में कि हमारे इस पिंजरे का दरवाज़ा टूटा हुआ था, तो मैंने इसको भी बना लिया था। वो जुगाड़ जैसे मारता है ना बंदा, वैसे मैंने किया है दोस्तों। यहाँ पर मैंने लोहे की तार दोस्तों लगा दी और उसको कस दिया, और अब ये दोस्तों सही से अब एक हमारा दरवाज़ा बन गया है। इससे मतलब ऐसे समझे गुजारा हो गया है, अब कोई मसला नहीं। इसके अंदर मैं 2 से 3 दिन हो गए मुर्गियाँ बंद कर रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं, तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में नए परिंदे लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो ये थी दोस्तों कि मैं वापस आ चुका हूँ, और जब तक मैं इधर हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ भेजता रहूँगा, कोशिश मेरी पूरी होगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।